हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो अभी 2021 खत्म होने को आ रहा है, कुछ ही दिनों में 2022 स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके साथ भी 2021 की अच्छी अच्छी यादें होगी। मेरा तो 2021 में मैंने ये यूट्यूब चैनल ओपन किया, तो मेरा तो हमेशा याद रहेगा मुझे। और आई होप आपने क्रिसमस भी एंजॉय किया होगा और न्यू ईयर की तरफ हम बढ़ेंगे अभी कुछ ही दिनों में। सो आज मैं एक आपको डिज़ाइन सिखाने वाली हूँ, लेकिन आज हम ये जो हमारे हमारे स्वीट्स के डिब्बे होते हैं उनमें लगे होते हैं ओपनर, जैसे हम इसको ऐसे पुल करके ओपन करते हैं, तो आज हम इससे बनाने वाले हैं। और जो हमारे सॉफ्ट ड्रिंक्स के जो कैंस आती है उसमें भी होते हैं, उसमें थोड़ी छोटी साइज़ के होते हैं, तो ये थोड़ी बड़ी साइज़ के, तो आप उससे भी बना सकते हो, इससे भी बना सकते हो। तो आइए देखते हैं हम कैसे बनाएंगे और इसके लिए हमें मटेरियल क्या क्या चाहिए। तो ये मैंने दो ले लिए हैं और ये सिल्वर कलर के हैं। ये मैंने 6 mm के रेड क्रिस्टल लिए हैं, ये 4 mm साइज के रेड क्रिस्टल्स। ये टूल्स लिए हैं और ये 30 गेज सिल्वर वायर लिए हैं मैंने, 30 गेज या फिर 0.3 mm कुछ भी बोल सकते हैं, और मेजरिंग स्केल लिए। तो आइए देखते हैं, मैं पहले 15 इंचेस की वायर कट कर लूँगी। सो मैंने ये 15 इंचेस की वायर कट कर ली है। अभी इसमें ये जो लगे हुए होते हैं इसको हमें हटा देना है। आप इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे करोगे तो ये हट जाता है। या फिर आप कटर की हेल्प से कट भी कर सकते हो। तो ये वायर लेना है हमें, और जैसे हम आज तक करते आए हुए 2 cm छोड़ के रैपिंग स्टार्ट करना है। तो ये मैंने 2 cm वायर छोड़ दी है और इसको मैं इसके अराउंड रैप करूँगी। तो रैपिंग होने के बाद इसको एक साइड में कर लेंगे हम क्लोजली। अभी वायर में हमें ये 4 mm साइज का क्रिस्टल लेना है और इसके अराउंड हमें रैप करते हुए जाना है। और ये क्रिस्टल जो है हमारा ये आउटर साइड में रहेगा। तो ऐसे ही हमें पूरा यहाँ तक कर लेना है। अभी ये मेरा लास्ट वाला बीड मैंने स्ट्रिंग कर लिया है, तो यहाँ पे मैं वायर को 3-4 रैप्स करके कट कर लूँगी। टाइटली रैप कर देना है।
इस तरह से रैप गया, तो मैं यहाँ पे इसको एकदम पास में ऐसे कट कर लूँगी और इसको प्रेस कर दूँगी जो मेरा कॉर्नर है। सो ये मेरा ऐसे रेडी हो गया है। अभी ये जो सेंटर पार्ट है यहाँ पे मुझे 6 mm का बेड ये करना है, तो मैं फिर से 2 cm लेके इसको यहाँ पे सेंटर में इसके रैप कर दूंगी। और ये 6 mm का एक बेड लूंगी, ये मैंने 3-4 रैप्स कर लिए हैं। और फिर 6 mm का बेड लेने के बाद फिर से मैं 3-4 टाइम्स रैप कर लूंगी इसको मैं ऐसे। इसको ऐसे रखना है नीचे की साइड। और ये ऐसे 3-4 टाइम्स होने के बाद हम वायर को क्लोजली कट कर लेंगे और फिर जो इसका एंड है इसको प्रेस कर देंगे ठीक से। तो ये ऐसे हो गया। अभी मुझे यहाँ पे भी बीट्स लगाने हैं, तो मैं और फाइन चेस और ले लेती हूँ वायर। तो पहले 2 cm छोड़ के मैं इसके अराउंड रैप कर लूंगी। ये जो सर्कल है इस गैप में हमें बीट्स को रखना है ऐसे, और वायर में इसके दूसरे साइड पे फिर से 3-4 रैप्स कर लेंगे। वायर से 3-4 टाइम्स फिर से रैप कर लेना है। और फिर इसको मैं फिर से क्लोजली इसे कट कर लूँगी और ये जो टिप है इसको इसे प्रेस कर दूँगी। तो ये मेरा ऐसे बन के रेडी है। तो इसमें हैंग करने के लिए हमें ये वाले हुक्स भी लगने वाले हैं, तो ये मैंने 2 ले लिए हैं सिल्वर हुक्स। या फिर आप 20 गेज की वायर से सिल्वर हुक्स आप घर पे भी बना सकते हो जिसका ये लूप बड़ा हो जाएगा। तो अभी ये छोटा लूप है तो इसमें हमें लगाना है। तो आप अगर घर पे बनाते हो तो डायरेक्टली इसमें लगा पाओगे लूप बड़ा बना के। तो इसमें मुझे अभी होल करना पड़ेगा, जैसे ये फ्लैट है इसमें इस पार्ट में होल करना पड़ेगा। तो ये होल करने के लिए ये टूल आता है, इसमें ऐसा नुकीला पार्ट होता है, बहुत हार्ड होता है,
तो ये मोस्टली पेपर ज्वेलरी के लिए यूज़ होता है, होल्स बनाने के लिए। तो मैं इसको यहाँ पे रख के ऐसे होल बना लूँगी। अब तो ये होल बनने के बाद मैं इसको ओपन कर दूंगी। और इस हुक को इस होल में फंसा दूंगी और इसको फिर से क्लोज कर दूंगी। तो ये मेरी ऐसे एक इयररिंग रेडी हो जाएगी। ऐसे इयररिंग्स बना के आप अपने एनवायरनमेंट को थोड़ी वेस्टेज चीज़ें आप बचा सकते हो, एनवायरनमेंट को सेफ रख सकते हो, और फिर इनका यूज़ एज ए इयररिंग्स करेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। ये न्यू टाइप्स की डिज़ाइन बन जाएंगी। तो ये मैंने एक पहले से ही बना के रखी थी, तो ये मेरी इयररिंग रेडी है। आप भी बनाइए और इंस्टा या फेसबुक पे पोस्ट करिए और मुझे टैग कीजिए। तो आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। सो ऐसे ही वीडियो ट्यूटोरियल्स के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।